8 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतागढ़ ब्लॉक के आमाकड़ा में होने वाले आदिवासी समाज के कार्यक्रम झलमलको लहायले घोटुल रच्चा उत्सव में शामिल होने वाले हैं, किंतु आदिवासी समाज के संयुक्त पैन कड़ा ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला लिया। आज जनपद पंचायत में आदिवासी समाज के प्रमुख और क्षेत्र के गायता पटेल परगना मांझी ग्राम के पैन पुरखों और समाज के प्रमुख लोगों की बैठक सभागार में हुई, जिससे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले समाज के लोगों को समझाया जा सके, जिसमें SDM उत्तम पंजारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी PR साहू, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अमर सिद्धार उपस्थित रहे। समाज के प्रबुद्ध लोगों का कहना है, इस आयोजन से पहले क्षेत्र के पैन पुरखों परगन मांझी मांझी गायता पटेल और ग्राम पेनकड़ा को पूछे बगैर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जाना हमारे देवी देवताओं का अपमान है। यही वजह है जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री आमाकड़ा में आ रहे हैं हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस विषय में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है तो समाज द्वारा विरोध नहीं किया जाएगा, किंतु क्षेत्र के 88 गांव के पैनकड़ा इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बैठक में समाज प्रमुखों ने बताया, संयुक्त पैनकड़ा 18 गड़िया तादो घोटुल रच्चा बड़े जेतपुरी आमाकड़ा तहसील अंतर्गत जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के नाम से लेटर पैड जारी किया गया और उसमें कांति नाग को संरक्षक बनाया गया। साथ ही समाज के अन्य लोगों को उनके बिना सहमति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव प्रवक्ता कोषाध्यक्ष बनाकर कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया, जिसकी जानकारी आदिवासी समाज के प्रमुखों तक को नहीं है, न ही लेटर पैड में जो सदस्य बनाए गए उनका इस बात पर उनकी जानकारी है। ग्राम ताड़ुकी के सरपंच धनुराम ध्रुव ने कहा, इस कार्यक्रम को करने से पहले ग्राम आमाकड़ा के जमींदारीन गायता पटेल ग्रामवासियों के बिना सहमति के कार्यक्रम स्थल का चयनित करना और इस कार्यक्रम को क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत न कराना, साथ ही 18 गड़िया बाबा पैन को बिना पूछे वृहद कार्यक्रम देना उचित नहीं। उन्होंने कहा, कार्यक्रम के दौरान पैन शक्ति द्वारा प्रकोप हो सकता है तो इसके लिए आयोजक समिति जिम्मेदार रहेगी। इस सभा में आदिवासी समाज द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंतागढ़ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि बिना समाज की सहमति के लेटर पैड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव प्रवक्ता कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी का गठन करना, लेटर पैड के माध्यम से राशि का आहरण करना, जो संदेश 18 गड़िया पैनकड़ा में सम्मिलित मुंड ध्रुवा पट्टाबी और समस्त कोलर परगना के 84 ग्राम के भूमकाल मांग करते हैं, किस संरक्षक अध्यक्ष सचिव और प्रवक्ता के संबंध में न्यायिक जांच हो और हमारे सभी परगना क्षेत्र के भूमकाल के साथ और हमारे मांझी मुखिया जितने भी हैं हमारे पेनकड़ा संयुक्त पेनकड़ा के तादो 18 गड़िया के दरो ध्रुवा पटावरी को सहमति लेने के बाद एक बृहद कार्यक्रम हम करना चाहते हैं और आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम फिक्स होता है तो हम बिल्कुल सम्मिलित होंगे और उसको सफल बनाएंगे। मतलब पेनकड़ा के नाम से जो लेटर पैड जारी किया गया है क्या वो पेनकड़ा के सहमति से किया गया है या आप लोग इस बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है? पेनकड़ा के लोग हमारे दरो ध्रुवा पटावी जो हैं वो पेनकड़ा के प्रमुख लोग हैं, उनको अनभिज्ञ है, इनको बिल्कुल पूछा नहीं गया है और वो जो संरक्षक बनी है माननीय कांति नाग जी, वो कांति नाग किस प्रकार से संरक्षक बनी है क्योंकि हम देव संयुक्त पेनकड़ा किसी का संरक्षण में होता नहीं है क्योंकि देव निराकार है, हम निराकार को मानने वाले लोग हैं और उस प्रकार के उन लोग अपने आप में संरक्षक नियुक्त करके अपना पगड़ी बांध रहे हैं, ये गलत नीति है। मैं इसका मतलब पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और इस प्रकार का हमारा प्रगण के भूमकाल भी विरोध कर रही है इस चीज का जो उन्होंने अपने आप को संरक्षक नियुक्त किया है। तो ये जो लेटर हेड बनाया गया है उस विषय में आपके समाज द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे समाज और हमारे भूमकाल और हमारे परगना क्षेत्र के मांझी मुखिया लोगों का निर्णय लिया गया और उन लोगों को जब लेटर पेड का जांच किया तो ये फर्जी पाया गया है, इनकी में किसी प्रकार की भी हमारे परगन के क्षेत्र के लोगों का मांझी मुखिया लोगों का किसी का सहमति नहीं है। उस लेटर पेड में कई लोगों के जो सदस्यों के नाम लिखे हैं क्या वो सदस्यों के नाम? हमने हमारा भूमकाल जो 84 गाँव का ये कोलर परगना क्षेत्र के गाँव के लोगों के दो मतलब भूमकाल को बिठाया गया और जो लेटर पेड में नाम अंकित किया गया है उनको सभी को हमने भूमकाल के सामने खड़ा किया, उन्होंने भी लेटर पेड में नाम सम्मिलित होने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। इससे साफ हो जाता है कि ये लेटर पेड जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है और ट्रस्ट के माध्यम से संस्कृति विभाग से राशि जारी करवाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका न्यायिक जाँच होना चाहिए और विधिवत जाँच होना चाहिए, यही मेरा कहना है, यही मेरा मांग है। तो नेता जो मावा मेन सबसे मेन पुल्लो आंदो की जो 8 तारीख तक मुख्यमंत्री वाई वाला तुर तो मुख्यमंत्री वाला तो ताना मुन के माँ तमाम माँ प्रगान ओसा 18 गड़ियाल तादो जो मूंड गुट्टा दर्रो दुर्वल पुट्टा भी मंतुर ये कुन भी जानकारी ही ले ओसा फिर वो मावा तमाम ने प्रगाना 84 नाकना प्रगाना कुलर प्रगान इत प्रगान ता भूमका दुन भी जानकारी ही ले अन साथ साथ ते मावा जो जनप्रतिनिधि मंतुर वो कुन भी जानकारी ही ले इत सबसे मेन वो देखा जाए इपड़े मर तालुका इोला चाहे मायूम क्योंकि माकुन जब जो है ना जानकारी ही ले माकुन तो माडा का बाका समझित आयुम और सम्मिलित अम्मा टायोम और उसके पहचान तो ईद पोलो इनता कि भाई नेंड इचोहना मावा हनल पेंतुन बेजत्ती अन चोहना मावा संयुक्त पेड़कड़ा मंडातुन इदो नेंड मावा 18 गड़ियाल ओसा 7-14 कड़ामंडा ई तादोकना अपमानित की तोर तेना बाटा मट 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 अपना प्रगनता माजिर को तमाम मावा
इधनगढ़ ब्लॉक था समन्वय समिति कटा को युवा प्रभाग आई शयन प्रभाग ते कटा आई तमाम मारते विरोध किया तुरम विरोध के माटू सहमति ही ले माट। तो सबसे मेन ई पेडे जो माइंदा नाम थे मीडियम था माध्यम थी चाहे माए तो ना कि जो मावा पेन प्रुखा था पुरोहित ने बदनाम की तोर वोरा पेटाड़ इत छोटा सा न्यायिक जाँच आई इत जो मावा पेन कड़ा था संरक्षक बने माता इदो संरक्षक बने माता कांतिनाग तो ईद भी यायन पूछे माल चाहे मायतुरम की अदनेडू इत कड़ाता बदन संरक्षक बने मातु अद्भुत कड़ाता बिलंग किया था बुद्ध मंडाता बिलंग किया था ईद स्पष्ट ही जाँच आई तेन माट इंदा चाहे मायतुरम कि इदम तम आकुन धोखा असमंजय ते इरमा की अनु तमाम आपेड़ जो मंत्र अद लेटर पेट पढ़ तुर ओरकुन सप्तुरकुन जाँच आई इध इंदा मैकड़ा मंता अन इधन का माटू मट समर्थन तीन जो कार्यक्रम किया तो और माने किला पड़तोर। वजह यही है कि गांव के जो देवी देवता है उनसे अनुमति नहीं ली गई है। गांव के और समाज के मांझी मुखिया देवी देवता के प्रमुख इन लोगों का कोई भी सहमति नहीं ली गई है, इसलिए हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करते हैं और हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारे द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। तो सिर्फ यही एक वजह है कि मुखिया या गाँव के गायता पटेल इन सबसे सहमति नहीं ली गई थी या कुछ भी और देवी देवताओं से संबंधित कुछ मामले ऐसे हैं जो उनसे अनुमति लेने के बाद अगर वह कार्यक्रम कराया जाता है तो उसमें देवी प्रकोप की भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमारे बस्तर में खास करके जिस प्रकार से प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है और हम सब देवी देवता को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से हम जो भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है ऐसा भी आमंत्रण पत्र में बताया जा रहा है, और जो हमारे 18 गड़िया देव हैं वहाँ भी उनसे अनुमति नहीं ली गई है, जिससे हमको ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में वहाँ देवी प्रकोप भी हो सकता है जिसका शासन प्रशासन को निराकरण करना चाहिए। तो ये इस कार्यक्रम को शासकीय माना जाए या फिर ये जो राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक कार्यक्रम रचा जा रहा है? ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है और इसी का हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये सामाजिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है आपके द्वारा? नहीं, सामाजिक कार्यक्रम होता तो समाज के लोगों को पूछा जाता, वहाँ के देवी देवताओं को विधिवत अनुमति ली जाती और सर समुदाय के द्वारा सारे समाज के लोगों के द्वारा यदि इस प्रकार का आयोजन होता है तो क्षेत्र में विकास भी होता है, खुशहाली और समृद्धि भी आती है। पंखा जूर से बिप्लव कुंडू की रिपोर्ट।